तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। इसका पहले के एपिसोड में हुआ यह था कि जो फैंग हुआ था उसके ऊपर सुप्रीम एल्डर ने अटैक कर दिया था, लेकिन बीच में एक जाइंट एप स्प्रिट आ जाता है और उसका अटैक रोक देता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर, और फिर तभी वहाँ पर सबको पता चल गया था इस स्प्रिट को देख कर कि यहाँ पर जो लीडर है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तभी वो स्प्रिट जो है वहाँ पर सेकेंड एल्डर को उसके ऊपर अटैक करके उसको घायल कर देता है। और फिर वो फर्स्ट एल्डर यानी कि सुप्रीम एल्डर की तरफ बढ़ रहा था, तो यह देख कर सुप्रीम एल्डर अपना ईगल स्प्रिट को निकाल कर उस पर अटैक करवाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जाइंट एप स्प्रिट जो उस बर्ड स्प्रिट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा से टक्कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा आसानी से ख़त्म कर देता है। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वहाँ पर जो है डोंगफेंग क्लैन का पैट्रियार्क आने लगता है। तो तभी वहाँ पर मास्टर फैंग सियाओ को देख कर उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी यानी कि मूसुई उसके पास चली जाती है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि जो फैंग हाव था वो वहाँ पर नाटक करने लगता है डर्ड होने का, घायल होने का। तो तभी मूसुई उसके पास चली जा है। और यहाँ पर फैंग सियाओ यानी कि वो पैट्रिया गुस्सा हो गया था सुप्रीम एल्डर पर, उसे पूछ रहा था कि आखिर में तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। तो वो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि मैं यहाँ पर बस डिस्कशन कर रहा था फैंग हाव के साथ, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपना इमॉर्टल टोकन उसका जो ब्रदर साव है उसको दे दे। ते बात सुनकर पैट्रियार्क फैंग सियाओ गुस्सा होने लगते हैं। अब बोल रहे थे कि क्या इसी प्रकार से डिस्कशन किया जाता है। सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि देखिए आपको ये पता है कि जो मेरा ग्रैंड सन है साहब वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो अगर उसके हाथ में इमोर्टल टोकन होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो पैट्रियार्क बोल रहा था कि अच्छा तो जब मैं यहाँ पर नहीं था तब भी तुमको यह दिमाग में आया और तुमने यह काम किया। अब बोल रहा था कि वैसे भी किसने कहा कि जो फैंग हाव है वो कमज़ोर है साव से। यह देखकर जो साव था वो बोल रहा था कि मैंने यहाँ पर मर्सी शो किया, अपना पूरा पावर यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पूरा पावर यूज़ करता तो फैंग हाव वहाँ पर जिंदा नहीं बचता। यह देखकर वो पैट्रियार्क गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि अच्छा यह तुम थे जिसने जो सबसे पहले फैंग हाव पर अटैक किया था। तो तभी सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि अगर साव के पास इमोर्टल टोकन मिल जाता है तो वो इमोर्टल क्लैन ज्वाइन कर सकता है और यह हमारे डोंगफेंग क्लैन के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात होगी। और बोल रहा था कि आप हमेशा इस लूजर को क्यों प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ये सुनकर वो पैट्रियार्क बोल रहा था कि देखो हम लोग सब एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं और तुम मुझे यह बताओ कि जो बंदा क्लैन मेंबर पर ही अटैक करे, उसको हानि पहुँचाए, उसको घायल करे तो लूजर कौन है। तो उस हिसाब से तो साव जो लूजर है। अब बोल रहा था कि इसको जो एक मंथ के लिए डंजन में भेजा जाता है और फिर तभी वहाँ पर चार सैनिक आके उस सियाव को घेर लेते हैं और उसको डंजन में भेजने लगते हैं, जहाँ पर सियाव जाते हुए बोल रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मेरा फादर है वो जो यून हाई सिटी का मास्टर है, आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि पैट्रियार्क नहीं सुनता है। और फिर तभी वो सुप्रीम एल्डर पैट्रियार्क को बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर किसको ऑफेंड किया है और इसका कीमत क्या हो सकता है। तो ये बात सुनकर वो पैट्रियार्क बोल रहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन ऑफेंड हो रहा है, और अगर तुमको कोई दिक्कत है तो तुम ट्राई कर सकते हो। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वहाँ पर वो दोनों एल्डर वहाँ पर से गुस्सा होते हुए यानी कि सुप्रीम एल्डर और वो सेकेंड एल्डर वहाँ पर से गुस्सा होते हुए पैट्रियार्क पर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर थर्ड एल्डर पैट्रियार्क को रिस्पेक्ट शो करता है, उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी पैट्रियार्क फैंग हाव से पूछ रहा था कि तुम्हारा इंजरी कैसा है। तो फैंग हाव बोल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हल्का सा इंजरी है। तभी मूसुई बोल रही थी कि जो एल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस बार हद पार कर चुके। तभी वो पैट्रियार्क बोल रहा था कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगर फैंग हाव यहाँ पर अपना पूरा पावर शो ऑफ करता तो जो एल्डर हैं वो भी उसका कोई भी मैच नहीं थे, वो उन सबको हरा देता, क्योंकि फैंग हाव के पास वुडन स्प्रिट है और मैंने ही उसको अपना पावर छुपा के रखने के लिए कहा है ताकि अनवांटेड प्रॉब्लम सामने ना आ सके। तो मूसुई फैंग हाव से पूछती है, तो फैंग हाव बोलता है कि हाँ कि ग्रैंडफादर फैंग सियाओ ही हैं जिन्होंने मुझे इसको हाइड करने के लिए बोला है, नहीं तो इमोर्टल क्लैन जो है मेरे पर अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है। तभी वो पैट्रियार्क फैंग सियाओ बोल रहा था
कि देखो अब जब तुम ग्रो हो चुके हो, अब मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इन सालों में, लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें वो सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूँ जो कि तुम्हारे फादर छोड़ के गए हैं, और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। और फिर तभी हम सुप्रीम एल्डर और सेकेंड एल्डर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेकेंड एल्डर सुप्रीम एल्डर से पूछता है कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम एल्डर बोल रहा था कि इस बार जो है फैंग सियाव ने हद पार कर दिया, उसका हिम्मत भी कैसे हुआ सियाव को प्रिजन में कैद करने के लिए, मैं इस बार मैसेज भेजने वाला हूँ यूनहाई सिटी में, और मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना तुम लोग। और फिर वो वहाँ पर मैसेज भेज देता है यूनहाई सिटी के लिए और हंसने लगता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें डोंग फेंग क्लैन का ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर फैंग सिया, मू सुई और फैंग हाव उसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस ट्रेनिंग रूम का जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो बहुत ज़्यादा था बाकी सब जगह से, और वो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी मास्टर फैंग जो है फैंग हाव को बोल रहे थे इमोर्टल टोकन बाहर निकालने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो फैंग हाव था वो इमोर्टल टोकन को बाहर निकालता है, लेकिन वो जो है पार्ट पार्ट में डिवाइड हो रखा था। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर फैंग थे वो अपना पावर उस टोकन में डालने लगते हैं, जिससे वो टोकन वहाँ पर कंबाइंड होने लगता है और हम देखते हैं कि वो एक फाइनली इमोर्टल टोकन बन जाता है, जहाँ पर उसका एनर्जी के कारण वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन होने लगता है। और जब वो ओपन हो जाता है तो जो मास्टर फैंग है वो मू सुई को बोल रहे थे कि तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ फैंग हाओ को लेकर। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों जो डोंग फेंग क्लैन के अंडरग्राउंड पैसेज में आ गए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर फेंग वहाँ पर जो है अपना एनर्जी एक टेबल में डालते हैं, जहाँ पर से दो बॉक्स बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर फेंग है उनमें से एक बॉक्स को फेंग हाव को दे देता है, जहाँ पर वो बॉक्स एक टोकन में कन्वर्ट हो गया था, जहाँ पर मास्टर फेंग उसको बता रहा था कि तुम इस टोकन को जो है लेकर इमोर्टल क्लैन का जो यान जी है उसके पास चले जाना, वो तुम्हारा मदद करेगा इमोर्टल क्लैन में एंटर करने के लिए, क्योंकि जो यान जी है और तुम्हारे फादर हैं वो अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कई मिशन को एक साथ कंप्लीट किया है। फैंग हाव बोल रहा था कि आखिर मेरे फादर ने यह सब चीज़ मेरे लिए एडवांस में छोड़ के क्यों गए थे, क्या उनको पता था कि वो मरने वाले हैं। तो वो मास्टर फैंग बोल रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो तुम्हारा फादर है वह इमोर्टल क्लैन का सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइपल था, और उसके दिमाग में उसको पता चल गया होगा कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उसने यह सब चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ दिया था। और जब तुम्हारी मदर का हत्या हुआ था डिमंस के द्वारा, तो तब उसने कसम खाया था कि वो जो सारे डिमंस को ख़त्म कर देगा और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करेगा। तो फैंग हाव बोल रहा था कि हाँ मेरे फादर हमेशा ऐसे ऐसे ही करते हैं, वो कभी भी गद्दार नहीं हो सकते हैं, और बता रहा था कि उनका सबसे ज़्यादा चिंता तुम्हारे लिए था, इसलिए उन्होंने जो यह सब चीज़ तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। और बोल रहा था कि चिंता मत करो, सेकेंड बॉक्स के बारे में तुम्हारे फादर का स्प्रिट तुम्हें खुद बताएगा। और वो वहाँ से जाने लगता है और बोल रहा था कि मैं तुम्हें बाहर से प्रोटेक्ट करूँगा। तभी हम देख रहे थे कि जब फेंग हाव उस बॉक्स का यूज़ करता है तो वहाँ पर उसके फादर का स्प्रिट आ जाता है, तो यह देख कर फेंग हाव खुश था और उसका फादर भी खुश था। तभी फेंग हाव अपने फादर से पूछता है कि आखिर में आप कहाँ हैं अभी। तो तभी हम डोंग फेंग रेसिडेंस के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर अचानक से भूकंप आने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शिप बैटल शिप वहाँ पर आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से यह सब जो यूनहाई सिटी से ही आ रहे होंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।